हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं और आज के वीडियो में हम स्वादिष्ट इंदौरी पोहे बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धोने के बाद हमने इसे पानी में भिगो दिया है, जिससे कि पोहा अच्छे से गल जाए। 4 से 5 मिनट बाद हमने इसे निकाल दिया था पानी में से। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया था, जिससे कि पोहा हमारा अच्छे से फूल गया है। क्वांटिटी दोस्तों आप देख लीजिए, कितने लोगों का आपको बनाना है। मैं ये पोहा 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। पोहा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे और नमक डालेंगे। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 3 से 4 चम्मच शक्कर डाल लीजिए। मैंने 2 से 3 चम्मच शक्कर डाली है और नमक भी स्वाद अनुसार डाला है। 2 चम्मच या 2 से 3 चम्मच आप नमक डाल सकते हैं। कढ़ाई को हमने रख दिया है गैस पर, स्लो फ्लेम पर। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। एक चम्मच भरकर हम इसमें राई डालेंगे। 1 चम्मच हम जीरे डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम सौंफ डाल देंगे और इसको अच्छे से सिकने देंगे। थोड़े से हम मूंगफली के दाने डालेंगे इसमें। 1 आलू बड़ा कटा हुआ बारीक हम इसमें डालेंगे और अब इसे अच्छे से सिकने देंगे। जब तक ये सिक नहीं जाता है, हम बाकी की चीज़ें नहीं डालेंगे। आलू और मूंगफली के दाने हमारे सिक चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे और फिर इसको अच्छे से सिकने देंगे। पोहे में हमने पहले ही नमक और शक्कर डाल ली थी, इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा मसाला भी सिक चुका है अच्छे से। हमने इसे ज़्यादा सेका है क्योंकि डीप फ्राइड प्याज और आलू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक और डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। दो बड़े चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसमें अपने भीगे हुए पोहे डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। बनके रेडी हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम पोहे को सर्व करेंगे। ऊपर से अब हम इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा नमकीन डाल देंगे, जिससे कि टेस्ट और बढ़ जाए। जीरा मन भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बहुत ही टेस्टी पोहा बना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।